वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी मेहंदी क्लासेस का थर्ड डे है। इसमें हम आपको मेहंदी के बेसिक डिज़ाइंस ही बताएंगे। आज भी हमारा कंगन वर्क ही चलेगा, उसके बाद हम आपको आगे के डिज़ाइंस बताएंगे। आपको हमने जितना भी अभी तक सिखाया है, आप केवल उस पर प्रैक्टिस करते रहिए। तो आप शुरू करते हैं। ये हमने सीधी लाइन खींचेंगे। फिर हम ऊपर से नीचे की तरफ लाइन खींच कर लेकर आएंगे, इस तरह से। ये छोटे छोटे क्यूब्स बना लेंगे। अब हम इन्हें फिल करना बताएंगे। पहले क्यूब को हमने फिल किया, उसके बाद हमने सेकंड को छोड़कर थर्ड को करना है हमें। फिर हम नीचे वाली लाइन में फर्स्ट क्यूब को छोड़ेंगे, सेकंड को फिल करेंगे। ये ध्यान रखना है हमें। या तो हम ऐसे फिल कर सकते हैं इसको, या फिर एक तरीका और है, जैसे हमने ये फिल किया तो उसके बाद हमने ये किया, तो इसके बाद हमें ये फिल करना है। इस तरह से हम अपना ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा टोटल कंगन वर्क है। इसमें हम जिग जग डालेंगे, इस तरह से। ये देखो, ऐसे लाइन खींची, फिर उसी पे से वापस लेकर आएंगे ऐसे। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर।
ये हम यहाँ पर बड़ा यू बनाएंगे। यू बनाने के बाद इसके अंदर हम इसको फिल करेंगे यू शेप में ही। हम इसको पूरा फिल कर देंगे इस डिज़ाइन को। अब हम इसी डिज़ाइन को उल्टी शेप में बनाएंगे। इस तरह से हम इसको फिल कर लेंगे। इस तरह से हम अपना ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने एक छोटा सा सी बनाया, देखो यहाँ पर शी। फिर हम बहुत सारे यहाँ पर शी बना देंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसको फिल करेंगे। ये जो हम डिज़ाइन सिखा रहे हैं आपको, इन डिज़ाइंसों पर आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इतने आप अच्छे से इन डिज़ाइनों को बना पाएंगे। एक यहाँ पे हमने हाफ सर्किल बनाया, फिर इसी को राउंड करते हुए डबल आउटलाइन इस तरह से। इसको हम फिल भी कर सकते हैं यहाँ। फिर इस साइड से निकालेंगे हम इसी डिजाइन को। ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट यहाँ पर। ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन बनाना है। एक छोटा सा सर्किल बनाया हमने यहाँ पर, ये एस टाइप में शो होगा हमारा।
और इसी डिजाइन को हम यहाँ इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से किया। फिर इसे नीचे की तरफ लेकर आएंगे, फिर यहाँ से घुमाते हुए इसको हम यहाँ पर सर्किल के अंदर सर्किल बनाएंगे। यहाँ पर हम तिरछी लाइन खींचेंगे इस तरह से। ऊपर यहाँ हम स्पेस ज़्यादा देंगे और यहाँ इस साइड में हम स्पेस कम देंगे। एक डिजाइन हमारा ये शो होता है। इसी तरह से पहले हम डिजाइंस निकाल लेंगे सारे, उसके बाद हम इनको फिल करेंगे। पहले इस तरफ से तिरछी लाइन खींची, फिर इस तरफ से तिरछी लाइन खींची, फिर हम इनको फिल कर देंगे। बस एक बार क्या होता है कि हमको केवल डिजाइंस निकालना आना चाहिए, फिर हम किसी भी तरीके से डिजाइंस निकाल सकते हैं कैसा भी। ये सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से वर्क कर पाएंगे हम। यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन के बीच में इतना स्पेस होगा सभी लाइनों के बीच में। अब हम इनको फिल करेंगे, इसमें हम जिग जग डालेंगे। इसे हम कम्प्लीटली इस तरह से भी फिल कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, कोई भी वर्क डाल सकते हैं फिल करने के लिए। ये हमने यहाँ पर यू बनाया। इसी तरह से पहले हम डिजाइंस निकालेंगे।
फिर हम इसके अंदर यू बनाएंगे। फिर हम इसे फिल करेंगे। हम इसे अंदर वाले को छोड़ के बाहर वाली शेड को भी हम फिल कर सकते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा डिजाइन शो हुआ है यहाँ पर इस तरह से। एक डिजाइन हमारा ये आया और दूसरा हमारा ये, और हम इसमें जिग जैग भी डाल सकते हैं। ये देखो अंदर ये हमारे तीन डिजाइन शो हुए हैं यहाँ पर। ये हमारा जो आज का वर्क है टोटल कंगन वर्क है। आई होप आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपको हमने जितना भी अभी तक बेसिक वर्क सिखाया, आप इस पर जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे से डिजाइंस बनाने आएंगे, डिजाइंस निकालने आएंगे, आप उतने अच्छे से वर्क कर पाएंगे। जितना प्रैक्टिस हो सके इस चीज़ पर प्रैक्टिस करना। थैंक यू।